केके मिश्रा केमिस्ट्री वीडियो फॉर क्लास एलेवेंथ टुडे वी डिस्कस्ड ए न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इन केमिकल बॉन्डिंग वी डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड इज ये फोर्स डेट फोर्स बाइंड द करस्पोंडिंग एटम्स इन ए मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में कंपाउंड बनता है एटम के संयोग से एटम के कंबिनेशन से तो एक या ए, दो या दो से अधिक एटम आपस में कैसे बंधे होते हैं कौन सा फोर्स उसको बांधे रखता है वह फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाता है बॉन्ड कहलाता है यह फोर्स एराइज होता है केमिकल कंबिनेशन के द्वारा अतः इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं केमिकल बॉन्ड इज एन एट्रैक्टिव फोर्स डेट होल्ड कंस्टिट्यूएंट्स एटम और आय इन ए कंपाउंड क्यों करता है वाई केमिकल बॉन्ड इज नेसेसरी व्हाई एटम फॉर्म्स द केमिकल बॉन्ड बिकॉज एटम्स आर अनस्टेबल एक्सेप्टैसेज और इनर्ट गजन ग्रुप एलिमेंट जो होता है बाकी जितने शेष एटम हैं उनमें आठ से कम वायलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यह ऑब्जर्वेशन से पाया गया इन इनर्ट गैसेज एट वायलेंस आर प्रेजेंट एंड देर स्टेबल सो Other atoms of less than also try to जो उनमें आठ से कम वायलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ट्राई करते हैं कि हम भी आठ वायलेंस इलेक्ट्रॉन अपने अचीव कर लें अर्थात नियरस्ट इनर्ट गैस कंफिग्रेशन को वो प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए वह क्या करते हैं गेट स्टेबिलिटी ये जब इनर्ट गैस कंफ्यूशन को प्राप्त करेंगे तो वे स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे क्योंकि इनर्ट गैस केमिकली इनर्ट होता है वह स्टेबल होता है उसी की तरह वह भी स्टेबिलिटी पाना चाहता है लाइक इनर्ट गैसे दे आर फोर एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कंबिनेशन एंड गेट स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड और वो स्टेबिल मॉलिक्यूल बना करके पाता है कौशल एंड लेविस पोजेज ऑक्टेट रूल ये इनर्ट गैस पर जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो वह यही पाया कि आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होना चाहता है गी एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेविस डिनोटेड डिज वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई डॉट लेविस ने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट लाइन से दिखाया ऑक्टेट रूल आठ इलेक्ट्रॉन को पाना और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसने डॉट से दिखा दिया तो ऑक्टेट कैसे पाएगा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऊपर में मैंने लिखा है नियरेस्ट इनर्ट गैस कंफिग्रेशन मान लो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है तो वह अपने नियरेस्ट को मैंने पीछे वाले को प्राप्त करना चाहेगा इसके लिए वह लॉस करेगा और जिसके वैलेंस सेल में पाँच छ सात इलेक्ट्रॉन है वह अपने आगे वाला को क्योंकि न उतना वह लॉस कर सकता है और एक दो तीन वाला ना ही पाँच सात इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अतः वह इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट बनाने में केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स इट मीन्स कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन ये प्रोसेस टू अचीव द स्टेबिलिटी बाय फॉलो ऑक्टेट रूल्स तो केमिकल बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड जैसे हमने बताया कि एक दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन नियरेस्ट में तो वह लॉस करके अपने पीछे वाले इनर्ट गैस कैसे कंफ्यूजन को प्राप्त करेगा और लॉस करने से क्या होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा अर्थात कटाइन बनेगा और पाँच छत है वह गेन करना चाहेगा तो वह एनायन बनाएगा और इस कटायन और एनायन दो अपोजिट चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और उन दोनों आयन को वह बाइंड कर देगा होल्ड कर देगा और मॉलिक्यूल का निर्माण कर देगा तो वह मॉलिक्यूल किस प्रकार बना बाई लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई दे लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट रूल फॉलो द ऑक्टेट रूल और दूसरा है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं कुछ है तो शेयर करके हम लोग प्राप्त कर लेंगे उस ऑक्टेट uh, रूल oct, uh, को इसी क्रम में पहला हम लोग पढ़ेंगे बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए बॉन्ड फॉर्मड कॉल्ड इलेक्ट्रोवेंट बॉन्ड अब जो बॉन्ड बन रहा है लॉस एंड गेन करने से वह कैसा बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोवेंट बॉन्ड बनेगा बिकॉज आफ्टर लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एटम्स एटम पोज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली इन बिट्वीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयस इलेक्ट्रो एस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एराइज विच होल्ड टूगेदर एंड फॉर्म्स कंपाउंड सच कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रो वायलेंट कंपाउंड एंड बॉन्ड फॉर्म कॉल्ड इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड हाउ इलेक्ट्रोवैलट इज फॉर्म इन विस टाइप ऑफ कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म तो इस तरह के सवाल अब हम बताते हैं कि कौन सा कौन एलिमेंट जो है लूज करेगा है, जिसके वैलेंस सेल में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होगा वह एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको साथ कौन देगा इसलिए उसकी मजबूरी है वह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है प्रीवियस क्लास में तुम सब पढ़े हो कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है यही कारण है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके बैलेंस सेल में पाँच छ सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सपोज करो कि एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सात बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले के बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो जैसे सोडियम और क्लोरीन तो सोडियम के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है वह यदि लॉस कर देता है तो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फ्यूशन नियन की तरह वह कन्फ्यूशन को प्राप्त करेगा नियन की तरह स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा और क्लोरीन दो आठ सात एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके बैलेंस सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होगा और वह अब वह दो आठ, आठ आठ इनर्ट गैस आर्गन की तरह अपना वो कन्फिगेशन uh, को प्राप्त करेगा तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज हो गया और इन दो अपोजिट चार्जों के बीच में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है लाइंस ऑफ फोर्सेज इन दोनों आयनों के बीच में कार्य करने लगते हैं और वही फोर्स जो है इन दोनों आयन को आपस में होल्ड कर देता है, बाइंड कर देता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग इसी प्रकार प्लस और माइनस चिन्ह से दिखाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या। और इससे निर्मित कंपाउंड जो हो जाएगा एन सी एल वह इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मैग्नेशियम होमवर्क में आपको देते हैं कि मैग्नेशियम और क्लोरीन के बीच में एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में कैल्शियम और <coughs> सल्फर के बीच में पोटेशियम और पोटेशियम और ब्रोमीन uh, के बीच में आप इस तरह से बनाएंगे कि सोडियम uh, और नाइट्रोजन के बीच में ये होमवर्क रहा आप इसमें किस प्रकार के कम्बिनेशन मिलेगा ये होमवर्क आप बना करके लाओगे चलो बेस्ट ऑफ आज का वीडियो इतना ही है इसको कंप्लीट करके लाना है